बोकारो के सेक्टर 3D के आवास संख्या 126 निवासी मानिक दास ने अपनी पत्नी को घर के बाहर निकाल दिया। यह मामला सिटी थाना क्षेत्र का है। मालूम हो कि मानिक दास की यह दूसरी पत्नी है जिसे उसने घर से निकाल दिया है। मालूम हो कि मानिक दास की पूर्व में शादी हुई थी जिसकी पहली पत्नी की मौत हो गई। इसके बाद इसने 3 साल पूर्व दूसरी लड़की से शादी कर ली। दूसरी पत्नी से भी एक बच्चा है। अब दहेज के लिए पति सौतेला बेटा देवर आदि प्रताड़ित करने लगा। दूसरी पत्नी रानी दास ने बताया कि उसे घर में घुसने से मना कर दिया गया है। उसे देखते ही घर में ताला लगा दिया जाता है। रानी दास अब इस मामले को लेकर महिला समिति के से लिखित शिकायत कर वहां पहुंची है। इस मामले को लेकर महिला समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमारी किन्नर ने कहा कि समिति इसे न्याय दिलाने के लिए आगे आई है। बच्चा एकदम बुखार से तड़प रहा है एकदम तनम बुखार लगा रहा है इतना सुंदर लड़का ई भोलवा क्या है मामला बताइए तो मेरी 3 साल हो गया शादी किया हुआ। मेरा मुझको भूला फुसड़ा के मेरा पति शादी किया मानिक दास। मैं बोला चलो माँ बाप नहीं है गरीब लड़की हूँ मुझे शादी करके। और अभी मैं सब लोग का बात सुन के कमलेश मेरा देवर और विकास मेरा बेटा मेरा सौतेली बेटा और मेरा सास रजनी ये लोग सब मिल के मुझे घर से बाहर निकाल दिया है मारपीट के दहेज के लिए। अब मुझे बोलता है बार बार जाओ बाप घर से पैसा लेके आओ। मेरा तो माँ बाप नहीं है भाई गरीब है भाई को कहाँ मिलेगा पैसा। क्या नाम है आपका? रानी दास। पुलिस को सूचना दिए थे इसका? पुलिस को मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ आप प्रदेश प्रवक्ता नारी सुरक्षा के प्रदेश प्रवक्ता अध्यक्ष भी हूँ। ये महिलाएं हैं ये महिलाएं को ये शादी के इसका क्या नाम है मर्दन को मानिक दास के ब्याही औरत से 3 गो लड़का है। वो पत्नी मर गई दूसरा पत्नी इसको चढ़ा बढ़ा के मंदिर में शादी किया। शादी करने के बाद एक ठो बेटा जन्मा दिया। इसको तीनों बेटा जो है इसका देवर जो है बोलता है जो हम तुमको गंदा बात बोलता हम तुमको रखेगा आ घर से निकाल दिया है। ये फांसी लगाने जा रही थी अपना जान देने जा रही थी। हम महिलाएं लोग का प्रचार हुआ हम